हेलो फ्रेंड्स, वायरल विवेक में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक कुमार एक सीएससी वीएलई हूं और मैं आपको ये डिटेल्स देने वाला हूं। बहुत ही अच्छी डिटेल है। आप में से बहुत से सीएससी वीएलई या बहुत से लोग ऐसे होंगे जो एईपीएस के द्वारा मनी विड्रॉल करते होंगे कस्टमर्स का, एंड मनी विड्रॉल करके फिर कस्टमर को वापस दे देते होंगे और अपने अकाउंट से आप विड्रॉ कर लेते होंगे। दूसरा, बहुत से सीएससी वीएलई ऐसे हैं जिन्होंने अभी लेटेस्ट आईसीएससी का सीएसपी लिया हुआ है, आईसीएससी का बीसी लिया हुआ है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, तो उनको प्रॉब्लम क्या होती है, उनके घर के आसपास आईसीआईसी का जो एटीएम या ब्रांच ना होने के कारण उन्हें सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि वो आईसीआईसी से ट्रांजेक्शन तो कर लेते हैं, कस्टमर का पैसा तो विड्रॉ कर दे रहे हैं अपने बीसी के थ्रू, बट उन्हें पैसा जब निकालने की बारी होती है तो आईसीआईसी का एटीएम या ब्रांच आसपास ना रहने की वजह से वो अपने दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं एंड दूसरे अकाउंट से फिर एटीएम के थ्रू या ब्रांच विजिट करके जैसा भी उनको पॉसिबल होता है वहां से पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है अभी कि बहुत से सीएससी वीएलई या बहुत से एपीएस यूजर को ट्रांजेक्शन का डर सता रहा है, टीडीएस का डर सता रहा है। सपोज एज पर जो 194N का जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से अगर आप 20 लाख के अबाउट ट्रांजेक्शन कर लेते हैं यानी कैश विड्रॉल कर लेते हैं एटीएम से या ब्रांच विजिट करके तो आपको टीडीएस पे करना होता है एट द रेट ऑफ 2%। सपोज मान के चलिए आपने टोटल 30 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन किया है, तो चलिए मैं कैलकुलेशन भी आपको दिखाते चलता हूँ। ये मैंने कैलकुलेटर खोल लिया है। अभी मान के चलिए कि आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं, इसमें दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में अच्छे से समझाऊंगा। आपने आईटीआर फाइल नहीं करते हैं और आपने कस्टमर का ट्रांजेक्शन का रेगुलर बेसिस पे कर लिया है, ये सपोज आईसीसी बीसी वालों के लिए भी है और एईपीएस वालों के लिए भी है। उन्होंने सपोज मान लीजिए 50 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है, ये मैंने 50 लाख किया, तो एज पर रूल 194N का जो सेक्शन है उसके हिसाब से क्या है कि आप 20 लाख तक ट्रांजेक्शन जो करेंगे उस पर आपको कोई टीडीएस नहीं देना होगा, बट अबव 20 लाख आपको टीडीएस लग जाएगा अगर आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं। तो इसमें मैं माइनस कर देता हूँ 20 लाख रुपीज, क्योंकि 20 लाख पर तो आपको कोई टीडीएस लगना नहीं है। रिमेनिंग बचा आपका 30 लाख का 2% अगर आप देखें तो ये आपका हो रहा है 60,000 रुपये। यानी कि अब आप समझ लीजिए कि जितना चाहिए 60,000 रुपये कमाने के लिए आपको 4 से 5 महीने लग जाएंगे, ठीक है, अगर सिर्फ आप आईसीसी बीसी या फिर एईपीएस का कमीशन जोड़ते हैं तो, और आई थिंक कभी कभी तो वो भी टफ हो सकता है। तो उस सिचुएशन में क्या है कि आपका इनकम तो उतना नहीं है बट आपको 60,000 रुपये का पेमेंट यहाँ पे बैंक करना पड़ेगा। इनफैक्ट बैंक ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेगी, आपको पेमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके अकाउंट में पैसे रहेंगे वो काट लिए जाएंगे, तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है। और अब दूसरा कंडीशन क्या है कि सपोज मान के चलिए आप आईटीआर फाइल करते हैं, तो आईटीआर फाइल करने के बाद आपको क्या है जो लिमिट मिलती है वो 1 करोड़ रुपीज़ का मिलता है, बट उसमें कंडीशन है कि आपको 3 साल का आईटीआर फाइल करना होगा। सपोज अभी 2021 का जो टीडीएस कटने वाला है तो आपके पास 2017-18, 2019-20 और 2020-21 ये तीनों का आईटीआर होना चाहिए। 2021 का आईटीआर आपका मार्च में फाइल होगा, सॉरी असेसमेंट ईयर 2021 का ऑलरेडी फाइल हो चुका है, ठीक है, तो इस तरह से आपको 3 साल का अगर आईटीआर फाइल है तो ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा। अब दूसरा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप अपना एलिजिबिलिटी चेक कैसे करेंगे। सपोज मान के चलिए आपको अपना अपने बारे में जानना है कि आपका ये आईटीआर फाइल हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर बैंक कैसे पता करेगी कि आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं और आपका टीडीएस ना काटा जाए। तो उस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स इंडिया फिलिंग की वेबसाइट को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी अंडर सेक्शन 194N, ठीक है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका टीडीएस का लिमिट क्या है या फिर आपका टीडीएस कितने अमाउंट पे कटेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ चेक करके, इस पर मैंने क्लिक किया, मैं अपना ही आपको सूर दिखाता हूँ चेक करके। यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा, मैं अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर रहा हूँ, ओके, ये मैंने पैन कार्ड नंबर एंटर कर दिया, और आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर कोई भी दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बट अपना ही नंबर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा आपके नंबर पे, ये मैं ओटीपी का वेट कर ले रहा हूँ, और ओटीपी आने के बाद जैसे आप एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आप वहाँ पे लिख के आ जाएगा कि आपका टीडीएस का रेट क्या है और आप किस सेक्शन में एलिजिबल है। अगर आप आईटीआर फाइल करते होंगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि 1 करोड़ तक के लिए आप कर सकते हैं, और अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते होंगे तो भी वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये ओटीपी आने में मुझे कुछ लेट लग रहा है, तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार ये वीडियो जरूर देखें और अपने जो भी एईपीएस भाई बंधु हैं या फिर जो सीएससी से काम कर रहे हैं, इनफैक्ट ये सिर्फ आईसीएससी बीसी वालों के लिए नहीं है, बहुत सारे ऐसे बैंक बीसीए हैं जैसे बैंक ऑफ इंडिया हो गए, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो इन सारे बैंकों के ब्रांचेस कई बार आपके आसपास में नहीं मिलते हैं, उस सिचुएशन में आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं।
और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहूंगा, ये जो एप्लीकेबल है ये आपका सेविंग अकाउंट प्लस करेंट अकाउंट दोनों के लिए सेम एप्लीकेबिलिटी है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। हाँ, एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, आप अपने एक अकाउंट होता है जीरो बैलेंस अकाउंट, बेसिक सेविंग डिपॉजिट बैंक अकाउंट BSBDA में ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। BSBDA में ये आपका बिल्कुल काम नहीं करेगा, ठीक है। BSBDA से आपको भूल कर भी ये ट्रांजेक्शन्स नहीं करना, नहीं तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ये मुझे OTP नहीं आया था इसलिए मैं दोबारा एक बार ट्राई कर रहा हूँ। ओके, नंबर तो मैंने सही डाला था बट फिर भी ये OTP आया नहीं मुझे, ठीक है अभी मैंने सही कर दिया। OTP अगर आ जाता तो मैं आपको लाइव दिखा सकता था, लाइव दिखाने से क्या है कि आप खुद भी एक बार चेक कर सकते थे। बट अगर सपोज मान लीजिए मुझे OTP अभी नहीं आता है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है 8 बज रहा है, तो हो सकता है OTP ना आए, तो उस सिचुएशन में आप खुद भी एक बार 9:30 बजे या 10 बजे के बाद रात तक एक बार चेक कर सकते हैं अपने लिए। आप जैसे ही चेक करेंगे आपको डिटेल आ जाएगा। मैंने मिस्टेक की, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं रखा था, बट रुकिए मैं एक बार दूसरा नंबर भी अपना एंटर करके देखता हूँ दूसरे नंबर पर क्या आता है तो पता चल जाएगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैं लाइव दिखा दूँ प्रोसेस, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि एक बार बोल देने से और अगर आप लाइव ना देख पाए तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो मेरा प्रयास है, ये मैंने अपना दूसरा नंबर मैं डाल के देख ले रहा हूँ इस पर OTP आता है या नहीं आता है। और प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे रिसेंट OTP का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। रिसेंट OTP का अगर ऑप्शन आता तो मैं उसे रिसेंट भी कर सकता था, बट नहीं आने की वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। चलिए थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि वेट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और अगर कोई CSC भाई बंधु ये वीडियो मेरा देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप लोगों ने टेलीलॉ सर्विस को स्टार्ट करना यूज़ करना स्टार्ट किया है या नहीं किया है। क्योंकि टेलीलॉ जो है बहुत अच्छी सर्विस है, मेरा 2 वीडियो भी इसके ऊपर बना हुआ है पहले, जिसमें मैंने दिखाया है कि मेरा टेलीलॉ का अगस्त का सितंबर का अक्टूबर का 3 महीने का कमीशन भी आ चुका है। इनफैक्ट वो कमीशन नहीं, मैं उसे सैलरी बोलूँगा, बिकॉज आपको करना कुछ नहीं है, 10 केस रजिस्टर करने हैं, PLV को अपना रजिस्टर करना है अपने पोर्टल पे, उसके बाद PLV के थ्रू 10 केस आपको रजिस्टर करवाने हैं। इनफैक्ट VLE भी कर सकते हैं, तो जैसे ही 10 केस रजिस्टर करेंगे तो 10 केस रजिस्टर करने के बाद आपका 1500 रुपये फिक्स पेमेंट आता ही आता है, और ये पेमेंट आपका DGP के वॉलेट में आएगा, ठीक। तो इस सर्विस को डेफिनेटली आप यूज कीजिए, बहुत ही अच्छी सर्विस है, ठीक। चलिए इसको मैं एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ। कोई क्वेश्चन अगर टेलीलॉ से संबंधित आता है आपको तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दिया करूँगा, ठीक है। चलिए OTP तो अभी नहीं आ रहा है, तो इस चीज़ को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ वीडियो को। ज़्यादा लंबा खींचने से फ़ायदा नहीं, आप एक बार खुद से चेक कर लीजिएगा, ईजिली आप चेक कर पाएंगे। और इन केस अगर OTP आता तो मैं एक छोटा सा वीडियो 1-2 मिनट का लाइव करके मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।